अज जिहड़ा इंसीडेंट होया बड़ा माड़ा होया, क्योंकि यह इंसान पहला तो ही क्रिमिनल काम करता आ रहा पिंडां दे विच, गालां कढ़नियां, गोलियां चलाउणियां, ते कांग्रेस सरकार बनी है, इन्हें कांग्रेस का सपोर्ट की है। और जिस दिन ये कांग्रेस बनी सी इन्हें पिंड डीजे ला के और पिंड गालां कढ़ियां ने जिहड़ियां सुनिया नहीं सी जांदियां, और ललकार के कहा कि गुरबचन सिंह बच जा, असी तेरे नाल वेखणा है। और ये सरदार गुरबचन सिंह जिहड़ा बहुत ही नहायत शरीफ आदमी है, और इस बंदे नूं जो इलाके विच जाके पता कर लो किड्डा शरीफ बंदा है सरदार गुरबचन सिंह, और सेवा करके ये पिंड पट्ठे लैन गया सी, और इन दोवां ने फड़ के गोलियां मार के मार दिता। ये अज बहुत शर्मनाक गल जिहड़ी है, ये अज कांग्रेस सरकार दे बंदियां ने गल कीती है। कोई नहीं, जितन दी सरकार बदली है, आपां मैं दुकान ते सी, पापा जी भी उत्थे सी, इह तिन आदमी चार उत्थे आए ने, तिन्ने जणे दुकान ते, उत्थे आ के सज्जन सिंह, एक करनल सुरजीत सिंह, एक दा बेटा सुमित जी, इन्हें आ के उत्थे गाली गलोज कीता, कहिंदे हुण साडी सरकार बण गई, हुण तुहानूं आपां देखांगे चंगी तरह, हुण नहीं छड्डांगे जी। वो काफ़ी फिर उत्थे इकट्ठे हो गए ने लोग, उन्होंने पा ला के लाल लाला हुई है, तो उन्होंने सानू छुड़ा दिता उत्थे, मतलब खिचा दुई की साडी दोवां प्यो पुत्तां दी। उस तो बाद आपां कोई अद्धा पौना घंटा ठहर के पैड़ी च पट्ठे लैन चले गए जी, उत्थों पट्ठे लैके वापस आते पे डैडी जी रेड़े दे अगे अगे नत्थ फड़ीए, रेड़े दे मगर मगर मैं आ रहा। जो रस्ते जी का घर पैंदा जी, तो बूहे अगे आया रेड़ा, इन्होंने पहला तो तांग लाई हुई सी, उत्थे आ के इन्हें सज्जन सिंह ने इन्होंने सज्जी बांह फड़ी है डैडी जी की, पिछों उन्हों का बेटा आया, आंदा डैडी जी मार दौ गोली छड्डियो ना इन्हों। वो करनल सुरजीत सिंह ने पिस्टल कढ़िया, तो उन्होंने इत्थे गोली मार के भज गए।